नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वन रूम पेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन, यानी कि एक रूम को पेंट करने में कितना लीटर पेंट लगेगा और मटेरियल चार्ज कितना लगेगा, इस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए यह हमारा रूम है और इस रूम की सभी दीवारें 10 फीट ऊंचाई की हैं। आप देख सकते हैं कि 10 फीट ऊंचाई की हैं और 10 फीट चौड़ाई की हैं, और रूम की एक दीवार में एक डोर और एक विंडो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डोर हमने बना रखा है और यहाँ पर विंडो है। तो चलिए इस रूम का कैलकुलेशन करके हम देखते हैं कि इस रूम को पेंट करने में लेबर और पेंट सहित कुल कितना पैसा लग जाएगा। कितना पेंट लगेगा यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको दीवार का एरिया पता होना चाहिए। दीवार का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू हाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दीवार की जो चौड़ाई है वो 10 फीट है, तो हमने यहाँ पर 10 फीट लिख लिया। और दीवार की ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार की ऊंचाई 10 फीट है, तो हमने यहाँ पर 10 फीट से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद एक वाल का जो टोटल एरिया आया वो 100 स्क्वायर फीट आया। तो इसी तरीके से आप भी दीवार को माप के उसका एरिया निकाल लेंगे। तो इस 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार का जो टोटल एरिया आया 100 स्क्वायर फीट आया। तो यहाँ पर 100 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो केवल एक दीवार का है और सभी दीवारों की लंबाई चौड़ाई एक समान है, यानी कि इस रूम में चार दीवारें हैं और सभी की लंबाई चौड़ाई एक समान है। यदि सभी दीवारों की लंबाई चौड़ाई एक समान हो तो उसमें दीवारों की संख्या से यदि आप गुणा कर देंगे, यानी कि एक दीवार का एरिया निकाल के यदि आप सभी दीवारों की संख्या से गुणा कर देंगे तो आपको रूम की सभी दीवारों का एरिया पता हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी दीवारें हैं, 1, 2, 3, 4, चार दीवारें हैं और एक दीवार का जो एरिया है 100 स्क्वायर फीट है, तो हम यहाँ पर चार से गुणा कर देंगे तो हमें ये पता हो जाएगा कि इन चारों दीवारों का टोटल एरिया यानी कि टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ। तो यदि हम 100 स्क्वायर फीट में चार से गुणा कर देंगे, चार दीवारों से गुणा कर देंगे, तो टोटल 400 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि इन चारों दीवारों का टोटल एरिया टोटल क्षेत्रफल 400 स्क्वायर फीट है। तो पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको यह देखना होगा कि आपके रूम में कितना डोर और विंडो है, क्योंकि डोर और विंडो एरिया में वॉल पेंट नहीं होता, इसलिए डोर और विंडो का एरिया आपको माइनस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोर है। यदि हम डोर की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो चलिए सबसे पहले हम डोर का एरिया निकालते हैं। डोर की यदि हम लंबाई की बात करें तो 3 फीट है, और यदि हम हाइट या फिर ब्रिथ की बात करें तो 7 फीट है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद 21 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि डोर का टोटल एरिया 21 स्क्वायर फीट आ गया। इस एरिया में आपका पेंट नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम विंडो की बात करें तो विंडो की जो लंबाई है वो 5 फीट है इंटू विंडो की जो ऊंचाई है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक विंडो की जो ऊंचाई है वो 4 फीट है। इन दोनों का गुणा करने के बाद 20 स्क्वायर फीट आ गया। तो डोर का एरिया और विंडो का एरिया ऐड करके हम 400 स्क्वायर फीट यानी कि टोटल वॉल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एरिया में पेंट होना है। तो दोनों को ऐड करने के बाद 41 स्क्वायर फीट आ गया। तो इस 41 स्क्वायर फीट में हमारा पेंट नहीं होगा, तो टोटल एरिया में से हम 41 माइनस कर देंगे। तो टोटल एरिया हमारा 400 स्क्वायर फीट है माइनस डोर और विंडो के एरिया में पेंट नहीं होगा, डोर और विंडो का दोनों एरिया मिलाने के बाद 41 स्क्वायर फीट आया है, इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 359 यानी कि 359 स्क्वायर फीट के एरिया में पेंट होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल पेंट एरिया जो हमारा है 359 स्क्वायर फीट है, यानी कि इस रूम की सभी दीवारों में डोर और विंडो दरवाजा खिड़की को छोड़ने के बाद 359 स्क्वायर फीट एरिया में पेंट होगा। टोटल पेंट एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट हमें 1 लीटर पेंट कवरेज एरिया यानी कि 1 लीटर पेंट कितना एरिया कवर करेगा। तो पेंट के लिए एक मानक बनाया गया है कि 1 लीटर पेंट 60 स्क्वायर फीट टू 70 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है, यानी कि यदि आप 1 लीटर पेंट से पेंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 लीटर पेंट 2 कोट, यदि वाल यानी कि दीवार बिल्कुल न्यू है तो 1 कोट से काम नहीं चलेगा, आपको 2 कोट पेंट करना पड़ेगा।
तो 1 लीटर पेंट 60 to 70 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर लेता है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारा 1 लीटर पेंट 60 स्क्वायर फीट यानी कि 60 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रहा है। नेक्स्ट, कितना लीटर पेंट लगेगा यह निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि टोटल वॉल एरिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टोटल वॉल एरिया निकाल रखा है, जितने एरिए में पेंट होना है टोटल हमने यहाँ पर निकाल रखा है, ठीक है, डिवाइड बाई 1 लीटर पेंट कवर एरिया यानी कि 1 लीटर पेंट कितना एरिया कवर करेगा। तो हमारा 1 लीटर पेंट 60 स्क्वायर फिट यानी कि 60 स्क्वायर फिट का एरिया कवर कर रहा है। तो चलिए हम सभी वैल्यू इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। सबसे पहले टोटल वॉल एरिया की बात करें तो 359 यानी कि 359 स्क्वायर फिट का टोटल एरिया है, इसी एरिए में हमें पेंट करना है। तो 359 स्क्वायर फिट डिवाइड बाई 1 लीटर पेंट कवर एरिया यानी कि 1 लीटर पेंट कितना एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 1 लीटर पेंट 60 स्क्वायर फिट का एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। 60 लिखने के बाद चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना लीटर पेंट लगेगा। तो 359 टोटल हमारा पेंट एरिया है डिवाइड बाई 60। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.98 लीटर आ गया, यानी कि अप्रॉक्स 6 लीटर पेंट लग जाएगा, ठीक है। तो 5.98 यानी कि 6 लीटर पेंट के यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट में 1 लीटर पेंट आपको 45 to 40 के बीच आराम से मिल जाएगा। तो मार्केट में हमें 45 लीटर के हिसाब से पेंट मिल गया था। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं कि 5.98 लीटर का कुल कितना पैसा हो गया। तो 5.98 लीटर इंटू 1 लीटर पेंट का रेट 45 रुपये है, तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 269 रुपये आपका पेंट में लग गया। 269 पेंट के बाद यदि हम लेबर चार्ज की बात करें तो हमारे एरिए में 3 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से पेंट करने के लेबर मिल जाते हैं। तो जितने एरिया में आपने पेंट कराया है उसमें यदि आप 1 स्क्वायर फिट पेंट करने के रेट से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपका कितना पैसा हो गया। तो हमने यहाँ पर 359 स्क्वायर फिट एरिए में पेंट कराया है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 359 स्क्वायर फिट इंटू 1 स्क्वायर फिट पेंट करने का रेट हमारे एरिए में 3 रुपये स्क्वायर फिट है। तो चलिए हम 359 में 3 से गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर का कुल कितना पैसा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि लेबर का 1077 रुपये हो गया, 1077 रुपये। तो चलिए अब हम लेबर और मटेरियल का पैसा ऐड करके देखते हैं कि टोटल 10x10 के रूम का कितना पैसा हो गया। तो यदि हम लेबर की बात करें तो 1077 रुपये हो गया, और पूरा रूम पेंट करने में लगभग 6 लीटर पेंट लग गया था, और 6 लीटर पेंट का जो रेट हुआ था वो 269 रुपये था। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1346 रुपये हो गया यानी कि 1346 रुपये टोटल हो गया। तो एक 10x10 का रूम पेंट करने में जिसमें एक डोर है और एक विंडो है, लेबर और मटेरियल सहित आपका 1346 रुपये लग जाएगा। और यह चार्ज केवल रूम के अंदर का है, यदि आप रूम के बाहर भी पेंट करेंगे इसी का दोगुना कर लीजिए। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पेंट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कॉन्टैक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं, कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।